अरे बाप रे गाइस, मैं रात भर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये संजन सोने नहीं दे रहा है। आप लोग खुद सुन लीजिए। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ कृष्णा जी, अब तो जन्माष्टमी भी चलाएगी, आप आई क्यों नहीं? एक मिनट गाइस, ये संजन है कहाँ पर भाई? और ये कृष्णा जी से कैसे बात कर सकता है? हेलो एक मिनट भाई साहब, ये क्या देख रहा हूँ भाई साहब मैं? सिंचन यहाँ पर हमारे लॉर्ड कृष्णा जी की मूर्ति से बात कर रहा है। अबे सिंचन भाई, अब तो सो जा, कृष्णा जी भी पक गए होंगे तेरी बातें सुन के। आप तो चुप ही रहिए फ्रेंड जी भाई, आपको पता है मैंने जन्माष्टमी पे कितनी सारी तैयारियां की थी। मैं कृष्णा बना था, मैंने सोचा था कृष्णा जी आएंगे और मुझे अपना मोर का पंख देंगे और मेरे लिए बांसुरी बजाएंगे, लेकिन ये नहीं आए। मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ, क्या ये नहीं करते? अरे कैसी बातें कर रहा है, कृष्णा जी तो सबसे प्यार करते हैं, हम सब तो उनके बच्चे हैं। अरे तो फिर आती क्यों नहीं मिलने? मैं इनसे जाऊंगा मिलने, वो गायब हो गए। एक मिनट, ये क्या भाई साहब, वो मूर्ति मायावी थी क्या? एक मिनट सिंचन, तो कहाँ से लाया था उस मूर्ति को? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस यहाँ पर वो मिल गई थी रास्ते में, तो मैं उसको ले आया अपने पास। फ्रैंकलिन भैया, मुझे कृष्णा जी से मिलने जाना है। कैसी बातें कर रहा है तू यार, कृष्णा जी से तो तब तो चाहे मिल सकता है, वो हम सबके दिल में होते हैं। अरे नहीं ऐसे नहीं, मुझे उनसे इन पर्सन मिल रहा है, मुझे उनसे मोर का पंख भी चाहिए और एक बांसुरी चाहिए। तू पागल हो गया है क्या? अच्छा चल तू ही बता, तू कृष्णा जी से कहाँ मिलेगा? वो जंगलों में रहते हैं शायद, जानवरों के पास। मैं वहाँ जाऊँगा, वरने टोनी भैया से बोलूंगा कि मुझे ना उनके गांव लेके जाए वृंदावन। तू पागल हो गया क्या भाई साहब? अरे कृष्णा जी हम सबके मन में रहते हैं, वो ऐसे किसी जगह पे थोड़े थे पर्टिकुलर। अरे नहीं बन गया, ये आपको नहीं पता। गाइस देख लो सिंचन को, ये लिटरली मैं पागल हो गया। और वैसे भी कृष्णा जी को अगर तुझसे मिलना होगा तो वो खुद आ जाएंगे तुझसे मिलने। हे चलो चलते हैं, मजा आ गया। वाह भाई कल वाह भाई बढ़िया पार्टी हो, ये क्या चल रहा है भाई? वाह पहली बार देख रहा हूं सिंचन रो रहा है, वाह और फ्रैंकलिन हंस रहा है। अरे तुम लोग ही सुन लो, खुद पता चल जाएगा। हे क्या हो गया सिंचन? अरे मैं यहां पर ना लॉर्ड कृष्णा की ना एक मूर्ति लेकर आया था, मैं उनसे बातें कर रहा था रात भर, फिर एक साथ से वो गायब हो गए। मुझे तो लगता है कृष्णा जी इसलिए गायब हो गए क्योंकि वो बोर हो गए होंगे इसकी बातें सुन सुन के। भाई बात तो सही की, तुम लोग ज्यादा मजाक में उड़ाओ मेरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कृष्णा जी से ना, तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। लेकिन कैसी करेगा? मैं कृष्णा जी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ देखना, जब वो मुझे मिलेंगे मैं उनको बताऊंगा कि फ्रैंकी भैया पिंजन और चौप कितना मजाक उड़ाते हैं मेरा। अरे भाई हमें भी मिलवा दियो कृष्णा जी से। आयुष मैं तो घर से दूर भाग के आ गया है, ये क्या हाला वाह वाह मजा आ गया। अरे वाह वाह और काफी मजा आ गया, देखो चुन्नू मुन्नू और कृष्णा जी ने मेरे को गिफ्ट भेजा है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग, कृष्णा जी आपको गिफ्ट कैसे भेज सकते हैं? तुम लोग पागल हो गए? और बच्चा तू पागल हो गया? अरे बिल्कुल ये बच्चा पागल हो गया है, हमारे कृष्णा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमने जन्माष्टमी पे अच्छे से उनका किरदार निभाया था। हाँ हमने दही हांडी भी फोली थी और हमने माखन भी चलाया था, हमें बहुत ज्यादा मजा आया। ऐसा मैं भी तो कृष्णा बना था जन्माष्टमी पे, तो वो मुझसे क्यों नहीं मिला है? अबे चलते रहे जैसे गंदे बच्चों पे, आलू की शक्ल जैसे वाले बच्चों पे थोड़ी ना मिलने आते हैं कृष्णा जी। ये कैसी बात कर रहे हो? फ्रैंकी भैया ने तो बोला कृष्णा जी सबसे प्यार करते हैं और वो हम सबको अपना बच्चा मानते हैं। अबे जल्दी निकल यहां से, अबे तू किसी का बच्चा नहीं है, तू तो नादान बच्चा है, चल निकल यहां से, आलू जैसी शक्ल वाले बच्चे। तुम देखना मैं यहां पर आज किसी भी हालत में कृष्णा जी से मिलके रहूंगा, उनको मुझसे मिलने आना पड़ेगा। अबे चल चल चल, कृष्णा जी बहुत बिजी हैं अच्छे लोगों की मदद करने में, तुझ जैसे बच्चों से मिलने नहीं आते। अरे बिल्कुल सही कहा, मालो उस बच्चे को। अरे बाप रे गाइस, ये बात सच है क्या? क्या कृष्णा जी मुझसे मिलने नहीं आएंगे? मैं मिलना चाहता हूँ लॉर्ड कृष्णा जी से। गाइस आप प्लीज वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब। मैं फ्रैंकलिन भैया से बहुत गुस्सा हूँ, टोनी भैया अवेंजर्स भैया प्लीज मेरी मदद करो। किस तरह के चाहिए? हल्क को बर्गर पसंद है, बोल तुझे भी बर्गर चाहिए? नहीं आज मुझे बर्गर नहीं चाहिए, आज मुझे लॉर्ड कृष्णा जी चाहिए। ये क्या कह रहा है तू? लॉर्ड कृष्णा जी चाहिए तो भाई तू मंदिर में जा और जाके पूजा कर ले, या फिर कहीं पे भी बैठ के अच्छी सी जगह पे। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, हम लोग वृंदावन चलते हैं ना, उनकी मैया से भी मिल लेंगे और यहाँ पर बलराम से मिल लेंगे। अबे तू पागल हो गया क्या भाई? अबे वृंदावन में हमारे कृष्णा जी हजारों साल पहले रहा करते थे। बिल्कुल सही कहा, अब तो कृष्णा जी सबके मन में रहते हैं। ओ बिल्कुल सही कहा, ओ ऐसे कृष्णा जी किसी से मिलने नहीं आते। ऐसे कैसे क्यों नहीं है? कृष्णा जी को मिलने आना होगा, मैं उनका सच्चा भक्त हूँ, मुझे मुझे सच में उनसे दोस्ती करनी है। ठीक की कसम, अरे वो तुझसे दोस्ती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं जा रहा हूँ कृष्णा जी से मिलने। गाइस अवेंजर्स भी मेरी बात पे बिलीव नहीं करते हैं। वो क्या गाइस, वो इतनी दूर क्या है? एक मिनट, ये तो एक और कृष्णा जी की मूर्ति लगती है, लगता है जैसे पहले मुझे कृष्णा जी की मूर्ति मिली थी फिर से मिल गई एक और। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको दिख नहीं होगी, वो देखो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं ना कृष्णा जी। मैं कृष्णा को अपना दोस्त बना के रहूंगा, हाँ वो भी लिटिल कृष्णा है, मैं भी छोटा सा सिंचन हूँ। अरे कृष्णा जी हैं, कृष्णा तो चले गए फिर से, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे छोड़ के? मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मुझे आपके साथ मिलके बहुत सारी बातें करनी है और हम साथ में एक्शन कामी भी देखेंगे। हैं गाइस ये कहाँ पर आ गया मैं? हमारे कृष्णा को ढूंढते ढूंढते लगता है गाइस कृष्णा जी
यहीं रहते हैं, वो जरूर यहाँ पर माखन चुराने आते होंगे। ये दोस्तों ये सही मौका है कृष्णा को अपना दोस्त बनाने का। कृष्णा जी, अरे कृष्णा, लिटिल कृष्णा, जो भी आपका नाम है मैं हर नाम से आपको पुकारूंगा और बुलाऊंगा। बच्चे इधर आ। अरे बाप रे, ये कौन है गाइस? ये तो कोई भूत है, भागो, कोई बचाओ। गाइस यार एक दिन हो गया, संजन बोल रहा था वो कृष्णा से जाएगा, दोस्ती करेगा, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। वाह भाई, कल बाबा मुझे डर लग रहा है। डरने की तो बात नहीं है, मुझे लगता है वो पक्का या तो अपने दोस्तों के घर सो गया होगा गुस्से में, या फिर अवेंजर्स के पास होगा। ऐसे क्या गाइस, वैसे अगर आपको पता हो कि यार ये संजन है कहां पर, तो जल्दी कमेंट में लिखिए। उसके ऊपर बहुत बड़ा वाला भूत चढ़ गया भाई कृष्णा को अपना दोस्त बनाने का। अब आप सभी तो जानते हैं भाई, कृष्णा भगवान है तो कितने बिजी रहते होंगे ना, मतलब इधर उधर लोगों की मदद करना, बुरे लोगों को सजा देना, तो मैं समझ सकता हूँ वो ऐसे कैसे मिलने आ जाएंगे सिंचन से। बट यार सिंचन को तो भाई साहब जानते हैं कितना जिद्दी है वो, अब उसको हमें समझाना पड़ेगा। कोई नहीं दोस्तों, चलो अवेंजर्स के पास चलते हैं। अगर सिंचन वहीं मिल गया तो उससे माफी मांग लेंगे, शायद ज्यादा मजाक उड़ा दी जिसकी। ओ भाई फ्रैंकलिन, क्या हो गया? सिंचन कहाँ पर है? हैं, ये तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैं ये सवाल तुमसे पूछने आया हूँ, सिंचन कहाँ पर है, इसका क्या मतलब है? वो तो यहाँ से चला गया था, और हल्क भी पता नहीं कैसे बेचैनी से आज सुबह से रूठा रूठा डोल रहा है। इसका क्या मतलब है? बोल रहा था कि उसका बच्चा कल से वापस नहीं आया। व्हाट? अरे सिंचन भी तो नहीं आया है? अरे यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं लॉस सैंटोस से। वाह भाई वाह, ये तो हल्क आ रहा है। हाँ, हल्क ने धरती पाताल लोग और पानी लोग हर जगह ढूंढ लिया, हल्क का बच्चा नहीं मिला। अगर हल्क का बच्चा आज शाम तक हल्क को नहीं मिला तो हल्क की बीवी उसको छोड़ के चली जाएगी, हल्क की शादी बर्बाद हो जाएगी। ओ भाई साहब, लेकिन तेरा बच्चा गया कहाँ पर था? वो कृष्णा को अपना दोस्त बनाने गया था। व्हाट? सिंचन भी तो कृष्णा से मिलने गया था और अपना दोस्त बनाया गया था उसको? अबे ये क्या बात है, फिर तो हमें चलना चाहिए। वैसे लास्ट टाइम सिंचन बोल रहा था कि वो जंगल की तरफ जाएगा कृष्णा को अपना दोस्त बनाने के लिए। हाँ, मुझसे भी यही बोला था। चलिए गाइस, अब हम जंगल की तरफ ही चलते हैं। क्या पता यार लॉर्ड कृष्णा मिल ही गए, ऐसा तो नहीं है भाई सिंचन और बाकी बच्चों को लॉर्ड कृष्णा मिल गए हो और वो दोस्त बन गए हो? बिल्कुल सही कहा है, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा कैसे मिलेंगे? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आए? वाह भाई, हमारे मन में पाप है, हम अभिशाप है, हम जैसे लोगों से कृष्णा क्यों मिल जाएंगे भाई? अरे बकवास बंद कर चौप, मेरी बात सुनो गाइस, हम अलग अलग जगह जाते हैं और जाकर सिंचन को ढूंढते हैं। मुझे पक्का यकीन है गाइस, सिंचन यही है। ओडिन की कसम, अपने हथौड़े से ढूंढ लेंगे सिंचन को। अरे मैं तो आवरा का डाबरा करके सिंचन को ढूंढ लूंगा। अरे हल्के बच्चे को भी तो कोई ढूंढो। ओए बिल्कुल, मैं तो हल्के बच्चे को ही ढूंढूंगा। हाँ, सिंचन को बाद में ढूंढूंगा, देख लेना हल्क, मैं तेरे बच्चे को ढूंढ के रहूंगा, तेरी शादी पर बाद नहीं दूंगा। चलो गाइस देखे तो सही, असल में चल कह रहा है माजरा, बच्चे जंगल में आके गायब हो रहे हैं या कोई गायब कर रहा है उनको? हल्क को हल्का बेटा चाहिए। अरे यार पिंचन चौप, जल्दी से ढूंढो भाई सिंचन को। गाइस अगर आपको सिंचन के बारे में कुछ भी पता है प्लीज हमारी मदद करो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है यार। यहाँ पे जंगली जानवर से लेके पालतू जानवर तक मिल गए, लेकिन भाई साहब एक भी बच्चा नहीं मिला हमें पूरे जंगल में। इसका मतलब गाइस, एक मिनट, ये क्या हो रहा है यार? गाइस यहाँ पर इनको ढूंढते ढूंढते दो दिन हो गए, लिटरली में जंगल में कोई नहीं मिला हमको। मैंने कब से कुछ खाया भी नहीं है, बस पानी पिया है थोड़ा मोड़ा। भैया मुझे भूख लगी है। वाह भाई, कलवा बा बर्गर नहीं खिला दे, बस सिंचन तो मजे से बर्गर खा रहा होगा। हल्क रो रहा है और यहाँ पर परेशान है। अरे यार मुझे भी दिक्कत लग रही है, मुझे लगता है सिंचन और साथ साथ में बाकी बच्चे ऊपर वाले को प्यारे हो गए, लगता है कृष्णा जी ने उनको अपने पास बुला लिया। ऐसा नहीं हो सकता, हमारा सिंचन कहाँ गया? वाह भाई कलवे, वाह काश यहाँ पर कृष्णा यहाँ पर सच में मिलने आ जाते हमारे सिंचन से, तो सिंचन ऐसे होता नहीं। बात तो सही कही, अब हम क्या करें? हमें घर जाना होगा और जाकर अब कृष्णा से ही मदद लेनी होगी। इसका क्या मतलब है? हम सब साथ में मिलकर मनोकामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कृष्णा जी से कि वो आए धरती लोक पर और हमें बताएंगे यार हमारा सिंचन और बाकी बच्चे कहाँ हैं। बिल्कुल सही कहा, हल्क की शादी की तो बर्बादी हो चुकी है, लेकिन हल्का बच्चा तो मिल जाए। गाइस चलिए अब जल्दी से चलते हैं और जाकर स्टार्क मेंसर पे हमने कृष्णा से ना बहुत सारी प्रार्थना करनी होगी, तो यहाँ पर कृष्णा जी को हमारी बात सुननी होगी, फिर हमारा सिंचन हमें मिल जाएगा और भाई साहब सिंचन को कृष्णा मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हल्का बच्चा भी कृष्णा का दोस्त बनेगा। चलो गाइस अब समय आ गया है प्रार्थना करने का, हम कृष्णा जी को बुला कर रहेंगे। और गाइस आप जल्दी से प्लीज कमेंट में प्लीज कृष्णा हेल्प लिखिए ना। बिल्कुल गाइस यार कमेंट में जल्दी से कृष्णा जी हेल्प लिखिए, कृष्णा हेल्प लिखिए या फिर लिटिल कृष्णा हेल्प लिखिए। बिल्कुल सही कहा, हल्क हल्क कमेंट में लिखेगा कि कृष्णा जी मेरे बच्चे की मदद करो, हल्क को उसका बच्चा चाहिए, अरे प्लीज कृष्णा जी हमारे पास आ जाइए। ओह माय गॉड, एक मिनट, ये क्या,
ये तो वही मूर्ति है कृष्णा जी की, और ये तो लिटिल कृष्णा की मूर्ति है भाई साहब। बिल्कुल सही कहा, हमारे सिंचन को लिटिल कृष्णा बहुत प्यारे लगते हैं। ये बात तो सही कहा यार, बच्चों को लिटिल कृष्णा बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन मूर्ति से हम क्या करेंगे, हमें तो कृष्णा से बात करनी थी ना। हले वापले, मैं ही तो आप सभी का प्याला शाह लिटिल कृष्णा हूँ। एक मिनट, व्हाट, ये मूर्ति बोल रही है? मुझे तो लगता है ये कोई माया है, ये हमें यहाँ पर झूठ दिखा रही है, ये कोई कृष्ण नहीं हो सकती। ये बात तो सही कही, हम कैसे यकीन करें कि आप जो भी हैं वो कृष्ण है। आप मुझे जो बोलोगे मैं करूंगा, आप चाहो तो मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। ऐसा तो उड़कर दिखाओ भाई साहब, ये सच में कृष्ण है क्या गाइस, आपको क्या लगता है? ओ माय गॉड, अबे फ्रैंकलिन ये क्या, तो इसका मतलब आप ही थे वो जो सिंचन आपसे बात कर रहा था रात भर। बिल्कुल सही कहा, मैं अपल सिंचन को और बाकी बच्चों को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनकी डेली बातें सुनता हूँ, क्योंकि मैं भी तो उनके चेहरा छोटा सा लिटिल कृष्ण हूँ। ओ माय गॉड, अबे फ्रैंकलिन, लेकिन भाई हम इतनी जल्दी यकीन नहीं कर सकते कि सच में हमारे लॉर्ड कृष्ण है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना, भगवान तो किसी भी रूप से आ सकते हैं। अरे वाह फ्रैंकलिन, तू बहुत समझदार है, और बताओ तुमको क्या चाहिए? हमें आप काम कीजिए, कोई जादू करके दिखाइए। ये लो, मैंने कुछ गरीबों के लिए यहाँ पर छोटा सा घर बना दिया। ओ माय गॉड, अब तो भाई सब यकीन करना पड़ेगा कि हमारे ही कृष्णा है। माफ करिए लॉर्ड कृष्णा जी, हमने आप पर इतना ज्यादा शक किया। कोई बात नहीं है, सबको यहाँ पर अपना परिचय देना चाहिए। कृष्णा जी, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? मैं तो सबका दोस्त हूँ। भाई साहब, सब भी कृष्णा जी के लिए जल्दी से हेलो कृष्णा लिख दीजिए। आप भी अगर कृष्णा जी से कुछ कहना चाहते हैं तो वो आपकी सुन लेंगे। मैं हमेशा सबकी बात सुनता हूँ, चाहे मैं उनके सामने हूँ या फिर ना हूँ। कृष्णा जी, आप प्लीज बताइए ना, हमारा सिंचन कहाँ पर है? वो तुम्हें मिल जाएगा, चिंता मत करो, कृष्णा यहाँ पर सबकी मदद करेगा। भाई साहब, हल्का बच्चा भी हल्को जानना है। तुम लोगों को माइंड शॉप में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाओ और जाकर सिंचन को बुला लाओ, तक मैं किसी का माखन चिला के खा लेता हूँ, मजा आएगा। भाई साहब, गाइस, कृष्णा से मुझे बहुत सारी बातें करनी है, कितने क्यूट लग रहे हैं वो छोटे से किरदार में, एकदम लिटिल कृष्णा। फिलहाल हमें यहाँ पर सिंचन को और साथ साथ में बाकी बच्चों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्णा ने बताया था कि हमें यहाँ आना होगा। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर देखिए यार, ये माइंड शॉप का तो डोर बंद है। अबे फ्रैंकलिन भाई, यहाँ पे बॉम्ब वॉम लगाते हैं और इसको फोड़ फाड़ देते हैं। अगर डोर बंद है यार टोनी, तो इसके अंदर गए कैसे हैं? हो सकता है जिसने बच्चों को किडनैप किया है उसी ने लॉक कर दिया डोर। हाँ बात तो सही है, या ये भी हो सकता है ये डोर अपने आप किसी भूत या शक्ति से रात को खुल जाता हो। अबे डरा मत भाई, भूत भूत नहीं चाहिए मुझे। अबे क्यों डर रहा है, हमारे साथ कृष्णा भी तो है। कृष्णा तो माखन चुराने गए किसी का। तब गाइस, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने भाई बच्चों को ढूंढ लेते हैं। अबे ये क्या टोनी, हम ये कहाँ पर आ गए? अरे भाई ब्रेक कहाँ गए हम? अरे बाप रे गाइस, ये तो हमारी धरती है। अबे फ्रैंकलिन यार, मुझे तो यहाँ पर कोई बच्चा नहीं मिला। बात, ओ माय गॉड, सारे बच्चे अब यहाँ पर बुराई के अच्छे हो जाएंगे। क्या ये ग्रैनी क्या कर रही है? इसका मतलब जितने भी बच्चे कृष्णा के या फिर अच्छाई के दोस्त बनना चाहते हैं, ये सब की सब घोष कम्युनिटी उनको किडनैप कर रहे हैं और उनके मन में बुराई भर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ओके, तो यहाँ पर ये करना क्या चाहते हैं? प्लीज मुझे कृष्णा जी से मिलना है, आला मेला को भी मिलना है। अरे मेरे को भी कृष्णा से मिलना है, मेरे को कृष्णा दोस्त बनाना है। बच्चा लोग चुप करो, वरना यही खा जाऊंगा तुमको। बहुत जल्दी तुम लोग हमारी कम्युनिटी के मेंबर बनोगे। बच्चों को डांटो मत, इनको प्यार से बुरा बनाओ, उसके बाद इनके साथ पूरी दुनिया को ले जाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं घोस्ट कम्युनिटी को। गाइस, इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई? हे, तुम सब के सब अपने आप को समझते हो? ग्रैनी, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी इतनी उम्र हो गई है कि यहाँ पर तेरे आधे पैर तो ऑलरेडी कवर में लटक रहे हैं, और भाई साहब तू सारे बच्चों को पकड़ के बैठी है। बड़े बूढ़ों का अपमान करते हो, शर्म नहीं आती? तो शर्म करवाने लायक हो तो करेंगे ना हम तेरी शर्म। और वैसे भी यहाँ पर सारे बच्चों को छोड़ दे, वरना अभी आयरन मैन का सूट बुलाकर तुम्हें पीटूंगा। तुम हमारी पास हो, यहाँ कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। चलो निकलो यहाँ से। नहीं जाएंगे, मैं अभी अंतर्यामी हूँ, क्या कर लेगी? अच्छा, तो तुम नहीं मानोगे? उड़ीर की कसम, अरे हम तो गॉड हैं, हमें क्यों मार रहे हो? अरे तुम नाम का गॉड है, ये ले। आरा मियारा को क्यों मारा? अरे नहीं, और टोनी सर बचाइए। अबे ये क्या, ये सच बोल रही है? मेरी आयरन मैन की पावर्स यहाँ नहीं आ रही हैं। गाइस प्लीज, आप लोग वीडियो को लाइक करो। फ्रैंकलिन भैया, आप लोग बचाने आए हो कि पिटवाने आए हो? अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई। अबे फ्रैंकलिन, मेरी बात मान, यहाँ से निकलने में ही फायदा है। बात तो सही कही। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ये पकड़ो इनको। अरे भाग, हल्क तो बहुत तेजी से भाग रहा है, हल्क को अपना बच्चा बचाना है, पहले खुद को बचा ले। पर ओ नो, ये क्या हो गया यार, हमको तो जाल में बंद कर दिया, मैं क्या करूं? गाइस समझ नहीं आ रहा है मुझे। फ्रैंकलिन बस अब हमें इंतजार करना पड़ेगा। गाइस मैं तो यार जल्दी से ना लॉर्ड कृष्णा से यहाँ पर हेल्प मांगता हूँ। आप भी कॉमेंट में प्लीज कृष्णा हेल्प लिखिए ना, वो हमारे दोस्त है, उन्होंने खुद का, वो सबके दोस्त है, वो हमारी मदद करने जरूर आएंगे। भाई बिल्कुल सही कहा, लेकिन हो सकता है कृष्णा का टेस्ट हो। ये भी है गाइस, क्या पता कृष्णा हमसे टेस्ट लेना चाह रहे हो।
अगर ऐसा है तो फिर तो हमें खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक कमाल का प्लान है फ्रैंकलिन। हल्क यहाँ पर चाहता है कि फ्रैंकलिन मरने की एक्टिंग करे। तुम लोग बकवास बंद करो। बाकी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि बच्चों की अच्छाई को मिटा के बुराई में बदल देंगे, ये सब कैसे करेंगे? अब समय आ गया है सारे अच्छे बच्चों को बुरा बनाने का। अरे पापा जी बचाइए। अरे हल्क का बच्चा बोरा, हल्क भी हरा, हल्क का बच्चा भी हरा। पापा जी बचाइए वरना मम्मी से आपकी शिकायत करूंगा, आप बुरे हो, आपके बस की कुछ भी नहीं है। हाँ ये ग्रैनी बच्चों के साथ क्या कर रही है, मुझे भी तो समझ नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब सिंचन हमारी दुनिया में स्वागत है। अरे वाह दादी जी बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट अबे फ्रैंकलिन सिंचन की आंख है देख भाई साहब, ये तो पूरा इविल बन गया। और सिबड़ी सिबड़ी वो जो सामने हैं बहुत अच्छाई के देवता बनते हैं सारे के सारे, जा और जाकर पीट उनको सिबड़ी सिबड़ी। वैसे मेरा नाम सिंचन है। अरे मेरा नाम सिबड़ी है ना। नहीं सिंचन मेरी बात सुन भाई, तू इनकी बात नहीं मान सकता। अच्छी बात है जाल तोड़ के भाई हमको भागने दे, पक्का बता रहा हूँ हम तुझको बचा लेंगे। मुझे किसी से नहीं बचना, मैं यहाँ पर अपनी दादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वाह भाई कलवा भाई ये क्या बात कर रहा है सिंचन, वाह किसकी दादी कैसी दादी। अबे सिंचन क्या हो गया तुझे, वो बुढ़िया तेरी दादी नहीं है। मेरी दादी बिल्कुल जवान है, उनको तुम लोग यहाँ पे बुढ़िया बोलते हो, अभी बताता हूँ। अरे बाप रे हल्क यहाँ पर जवान है, वो ग्रहणी तो बुढ़ी है बुढ़ी। मैं क्या बोल रहे हो सिंचन को भड़का क्यों रहे हो तुम यहाँ पर। अबे सिंचन प्लीज हमें छोड़ दे, हम तुझसे कृष्णा से मिलवाएंगे। तुम लोग झूठ बोलते हो, आज के बाद तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, मैं कृष्णा को अपना दोस्त बनाना चाहता था लेकिन कृष्णा भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छाई के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं बुरा बन गया। अरे बाप रे अलकुमारा सिंचन ये तू नहीं बोल रहा है, वो ग्रैनी तेरे मन में बातें भर रही है मेरे भाई। हम तुझे बचा लेंगे, प्लीज हमारी बात पे ट्रस्ट कर। बहुत बढ़िया बच्चे, जा बाकी के भी अच्छे बच्चों को मार दे, किसी को मत छोड़। बिल्कुल सही कहा मेरी दादी, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। अबे फ्रैंकलिन हमें सिंचन को रोकना पड़ेगा, वो शहर की तरफ जा रहा है मासूम बच्चों को मारने के लिए। अरे नहीं गाइस ये सब देख के कृष्णा बहुत दुखी होंगे भाई साहब, कि यहाँ पर सिंचन उनका दोस्त बनना चाह रहा था और अभी यार वो बुराई के बश में आके क्या क्या कर रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम एक काम करते हैं यहाँ पर जल्दी जाते हैं और सिंचन को बचाते हैं। मेरी बात सुन फ्रैंकलिन, हम यहाँ पर सिंचन को नहीं बचा सकते। ये क्या कह रहा है तू, पर यहाँ पर कृष्णा जरूर बचा सकते हैं, इसलिए एक काम करते हैं हम कृष्णा के पास जाते हैं और उन्हीं से इस बात का कोई सुझाव मांगते हैं। बात तो सही की लेकिन कृष्णा मिलेंगे कहाँ? कृष्णा मेरे हिसाब से हमें पहले अपने घर पर जाना चाहिए क्योंकि घोस्ट कम्युनिटी के पास, मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर कृष्णा को बुलाएंगे तो हो सकता है घोस्ट कम्युनिटी उस बात का कोई फायदा उठा ले। बात तो सही कही गाइस, चलिए जल्दी से चलते हैं और वापस से स्टार्क मेंशन जाते हैं और जाके कृष्णा को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि उनको यहाँ पर हमारे सिंचन को बचाने में मदद करनी होगी क्योंकि सिंचन लिटरली में कृष्णा से बहुत प्यार करता है, हम सब प्यार करते हैं, आप भी गाइस प्यार करते हैं हमारे कृष्णा से, तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिए। अरे हाँ मैं भी बहुत प्यार करता हूँ लॉर्ड कृष्णा से। बिल्कुल सही कहा भाई कलवे, यहाँ पर कृष्णा जी आ क्यों नहीं रहे भाई, बस शाम होने वाली है, कृष्णा जी को आना ही होगा। अरे वाह यहाँ का माखन बहुत स्वादिष्ट था, मजा आएगा न्याम न्याम न्याम। अरे वाह गाइस कृष्णा जी आ गए। कृष्णा जी? अरे मुझे कृष्णा जी मत बोलो, मैं तुम सबका दोस्त हूँ, तुम सब मुझे कृष्णा बोल सकते हो खाली। अरे वाह, हाँ तो कृष्णा प्लीज हमारी मदद कीजिए ना, सिंचन को असल में हमने ढूंढ लिया लेकिन घोस कम्युनिटी ने सिंचन जैसे मासूम और अच्छे बच्चों के अंदर बुराई भर दी है और यहाँ पर सारे बच्चे स्पॉइल हो गए और वो सारे के सारे अच्छे बच्चों को अपने जैसा बना रहे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम जाओ पर सिंचन को मेरे पास बुला लाओ, मुझे सबसे पहले फ्रैंकलिन अपने घर के पास लेके जाओ। लेकिन ऐसा क्यों? बस लेकर जाओ, मुझे तुम्हारा घर देखना है, मुझे तुम्हारे घर को काफी अच्छे से देखना है। ऐसा क्या बात है गाइस, कृष्णा जी मेरे घर पर जाना चाहते हैं। मैंने बोला ना तुम मुझे कृष्णा जी मत बोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कृष्णा बोल सकते हो। हाँ मतलब कृष्णा मैं आपको लेके चलता हूँ। अरे भाई मजा आएगा गाइस, चलो हम कृष्णा को मतलब लिटिल कृष्णा को अपने घर पर लेकर आ गए और देखिए यहाँ पर भाई साहब अच्छी बात है सफाई हुई पड़ी है। कोई बात नहीं है, मेरे को कैसा ही घर पसंद है, यहाँ पर तुम सब अच्छे लोग हो, मेरे को अच्छे लोग बहुत पसंद आते हैं। गाइस लेकिन यार सिंचन होता तो और अच्छा होता। तुम लोग चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर सिंचन के लिए सब कुछ तैयारियां कर दी है। अबे फ्रैंकलिन हमने ध्यान ही दिया, ये क्या पलक झपकते ये क्या हो गया भाई साहब, हमारे कृष्णा ने सिंचन के लिए सब किया। बिल्कुल सिंचन ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ पर अच्छे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बुरे लोगों को बैंड बजाइए, इसलिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बार सिंचन को गिफ्ट दूँ। जल्दी जाओ और जाकर सिंचन को मेरे पास लाओ। लेकिन हम उसको लाएंगे कैसे, और ले भी आए तो आप शायद उसका बिहेवियर देख के अच्छा ना समझो उसे, आप जानते हैं ना उसको क्या हो गया है। चिंता मत करो, एक बार वो मेरे पास आया मैं उसको मना लूंगा, मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। बिल्कुल सही कहा, हमें अपने कृष्णा पर यकीन है, वो हमारे सिंचन को बचा लेंगे। बिल्कुल सही कहा, वो के बच्चे को बचाएंगे। बिल्कुल सही कहा, एक बार तुम सिंचन को लाओ, सिंचन की अच्छाई ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाएंगे। गाइस चलो अब सिंचन को ढूंढने चलते हैं क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि हम सिंचन को सरप्राइज दें क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सिंचन बहुत प्यार करता है कृष्णा से और एकदम पागल है उनसे दोस्ती करने के लिए।
एक मिनट, वो कौन है? मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब सिंचन, ओए सिंचन मेरी बात सुन, तुझे यहाँ पर मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। आप कौन? अरे तू तो वही है ना फ्रैंकलिन। हैं? आपसे सीधा तू पे आ गया? ए, तुझे शर्म नहीं आती यहाँ अपने बड़े भाई से ऐसे बोलता है? बेवकूफ कहेगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कलवे। अरे बापरे कलवा बोल रहे सिंचन, मुझे गुस्सा मत दिला। गाय चलो अच्छी बात है मैंने उसको पीट दिया, अब ये गुस्सा होकर पक्का मेरे पीछे आएगा। रुक तुझे बताता हूँ, अभी बेटा बम से उड़ाऊंगा तेरे को, तेरा पूरा घर फाड़ दूंगा। अरे भैया ये सिंचन यार लिटरली मैं कुछ गड़बड़ ना कर दे कृष्णा जी के सामने, मेरे को तो यहाँ पर लिटरली में बहुत बुरा लग रहा है कि सिंचन को ऐसा कुछ हो गया। तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा कलवे इंसान। अरे बाप रे कहाँ जा रहा है ये कलवा? कलवा कौन बोल रहा है? अरे टोनी उसको छोड़ना, सिंचन आ गया है। क्या सिंचन आ गया? लोको मैं यहाँ पर एक चीज खेलता हूँ। एक मिनट कृष्णा जी क्या कर रहे हैं आप? अरे बाप रे गाइस कृष्णा तो स्टैचू बन गए। सिंचन देख तुझसे कृष्णा जी मिलने आए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कृष्णा जी की मूर्ति है, ये मुझसे एक इंसान की तरह बातें क्यों नहीं करते? ये यहाँ पर मूर्ति क्यों बने रहते हैं? इनको शर्म नहीं आती? मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ, मैं इनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाँ ये कैसे कृष्णा है? हाल मुझे माफ कर दे सिंचन भाई, मैं मैया के पास था, मेरे को माखन बहुत प्याला है ना, इसलिए मैं बिजी रहता हूँ माखन खाने में, लेकिन मैं हमेशा तुझसे बातें करता हूँ, तेरी बातें सुनता हूँ। क्या ये सच में कृष्णा है? सच में कृष्णा है? इतना नहीं कृष्णा जी जरा दिखाइए तो। क्या ये क्या है? ये सब तेले लिए हैं मैंने, यहाँ पर तेले लिए, बलिया बलिया चीजें लगी हैं, और तेले को लिमोत कंदूल काल पसंद है इसलिए मैंने दिया है। अरे वाह क्या बात है गाइस, हम सबके पास भाई कृष्णा जैसा दोस्त होना ही चाहिए। वो बिल्कुल सही कहा, मेरी तो मन भर आया। अरे शुक्रिया कृष्णा, तो इसका मतलब आज से आप मेरे दोस्त हैं? अरे बिल्कुल पक्के दोस्त, हम हमेशा से पक्के दोस्त हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।